ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही खुदा है हमको ये जीवन, उसी ने दिया है। उस चरण से हम सब है आए, हम तो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सबों को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज का मिसा का बलि, मिसा का मतलब है कोरोना से जितने भी भाई बहन पीड़ित हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। खासकर बोडुपल में अनीता की बेटी कोरोना पॉजिटिव है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उन पर अपनी आशीष एवं कृपा बरसा ताकि वह जल्द से जल्द चंगी हो सके। अजीत कुजूर जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिए, वो भी कोरोना पॉजिटिव है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीष एवं कृपा बरसा ताकि वह जल्द से जल्द चंगे हो सके। धन्यवादी मिसा बलिदान इनोसेंट कुल्लू और उनकी वाइफ प्रीति कुल्लू की तरफ से आई है। प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीष एवं कृपा दिए और वे लोग जल्द से जल्द चंगे हो गए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं खासकर रविंदर कच्छप के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो जो स्वर सिधार चुके हैं कोरोना से, उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रभु ईश्वर उनकी आपकी आशीष एवं कृपा बरसा ताकि वह अच्छी तरह से आपके स्वर्ग में जा सके। आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और इस मिसा बलिदान में भाग लें। प्रभु की अनुकंपा पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। वह शब्द के और प्रभु के शब्द से ही आकाश की रचना हुई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
और आपको भी। सबों को जय यीशु, जय यीशु। और मेरे पीछे दोहराएंगे हाथ उठाकर, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की जय जयकार, यीशु की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और उपस्थित जितने भी भाई बहन लोग ऑनलाइन मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबों को जय यीशु और आप लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पास्का का चौथा एतवार में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर प्रभु ईश्वर हम लोगों को अपनी तरह से बुलावा करते हैं और हम लोगों को ईश्वर बुलाहट करते हैं। जिस तरह से आज हम लोग पहले पाठ में देखते हैं, प्रेरित चरित्र में, जहां पर पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन जनताओं को, उन शासकों को कहा, जो लोग उनको, वहां के लोग उनको अलग कर दिए थे, उनके अधिकार से अलग कर दिए थे, और वह एक ऐसा पत्थर बन गया था जो कारीगर के पत्थर जो अलग किए गए थे और कारीगर के तरह वे लोग निकाल दिया जाता है, लेकिन वह एक ऐसा कोने का पत्थर बन जाता है, वह पिल्लर बन जाता है और वह अपना सुसमाचार लोगों को देता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। और आज के दूसरा पाठ में हम लोग देखते हैं संत योहन के अनुसार पहला पत्र में, जहाँ पर प्रभु येसु हम लोगों को इतना प्यार करते हैं कि वह अपने एक लौते पुत्र येसु ख्रीस्त को दे दिए एक भले गडेरिए के रूप में। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु येसु ख्रीस्त स्वयं एक भला गडेरिया है। ही इज अ शेफर्ड फॉर अस एंड ही इज गिविंग लाइफ फॉर एवरी वन ऑफ अस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव द लाइफ फॉर ऑल दोज हु आर अवे फ्रॉम हिम। जो कोई भी बाहर चले गए हैं, जो कोई भी उनके इर्द गिर्द नहीं है, प्रभु ईश्वर उनको जीवन देना चाहता है। आज हम लोग भयानक कोरोना काल के स्थिति में, दूसरी लहर में आ चुके हैं, प्रभु ईश्वर अपना जीवन हम लोगों को देना चाहते हैं। आइए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमेशा हम लोगों को इस स्थिति में अपना जीवन दे, ताकि वह हमेशा अपने डायनों के अंदर रखे और एक मुर्गी की तरह अपने जीवन में अपने डायनों के अंदर रखे, ताकि हम लोग उसके अंदर रहकर अपना जीवन दे सके। आइए, अगर हम लोग ईश्वर को समझ नहीं पाए हैं और एक दूसरे को बुरी नज़र से देखे हैं, तो प्रभु ईश्वर से क्षमा याचना करें, ताकि प्रभु ईश्वर हम लोगों को अपना पाप को क्षमा कर सके। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें। मेरे प्यारे दोस्तो, पापों से दूर रहो। आए मेरे प्यारे दोस्तो, पापों से दूर रहो। क्षमा करके आनंद मनाओ, दूसरों को प्रेम करो। क्षमा करके आनंद मनाओ, दूसरों की प्रेम करो। तू ही हमारा जीवन दाता, मुझ पर दया करो। तू ही हमारा जीवन दाता, मुझ पर दया करो। ऐ मेरे प्यारे दोस्तो, पापों से दूर रहो। ऐ मेरे प्यारे दोस्तो, पापों
से दूर रहो। ऐ मेरे प्यारे दोस्तो पापों से दूर रहो। ऐ मेरे प्यारे दोस्तो पापों से दूर रहो। सशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम लोग तालियां बजाकर महिमा गान गाएंगे। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। येसु ख्रिस्त एक लौते पुत्र तेरा गुण गान गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पर दया तू रखना सदा। पिता की दाहिने विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू है प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। आमेन 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 आमेन। हम प्रार्थना करें हे सशक्तिमान शाश्वत पिता हम सबों को स्वर्ग के पथ पर आगे बढ़ा जहां संतों की मंडली अनंत सुख में है। ऐसी कृपा दे कि जहां गड़ेरिये ख्रिस्त विराजमान है वहीं उनकी विनम्र भेड़ भी पहुंचे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तेरे पुत्र यीशु के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ प्रेरित चरित से, अध्याय 4 प्रसंग 8-12 तक। पेतुर्स ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सभी मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाहा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहा झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। दूसरा पाठ योहान का पहला पत्र से, अध्याय 3 प्रसंग 1-2 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु
यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ और हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके संदेश बन जाएंगे, उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति गाए हम ईशु को, स्तुति गाए हम हालेलुया, स्तुति गाए हम ईशु को, स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगी और सदा तुझे याद करूंगी। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा खाके आगे की बत रहूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा खाके आगे की बत रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपको साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 11-18 तक। भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िये को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझ में जानता है, मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने के लिए करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर को अपने हृदय में मन दिल में बुलाएं, ताकि प्रभु ईश्वर हमारे दिल मन में आकर अपना वास बना ले। जब हम लोग ये गाना गाएंगे, आजा यीशु राजा, आजा स्नेह राजा, आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसको हम लोग अपने हृदय में बुलाएं और ईश्वर को अपना जगह दें, अपने हाथ फैलाकर ईश्वर को अपने जीवन में बुलाएं। आ जाइए सुराजा, आ जा स्नेह राजा, आ जाइए सुराजा, आ जा स्नेह राजा, आजा यीशु राजा, आजा स्नेह राजा, आजा यीशु राजा, आजा स्नेह राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा, ओ तू समझा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा, ओ तू समझा, आ जा यीशु राजा, आ जा स्नेह राजा, आ जा यीशु राजा, राजा। तू है प्राणदाता, तू है शांति दाता, तू है प्राणदाता, तू है शांति राजा, तू है जीवन की शक्ति और आधार है, ओ आधार है, आ जा यीशु राजा, आ जा स्नेह राजा, आ जा यीशु राजा, आ जा स्नेह राजा, ना जा राजा, बिन तेरे जीना पाओ, ना जा राजा, बिन तेरे जीना पाओ, तेरे लिए मैं मंदिर बना लो दिल में, ओ मेरे दिल में, आ जा यीशु राजा, आ जा स्नेह राजा, आ जा यीशु राजा, आ जा स्नेह राजा, आजा यीशु राजा, आजा स्नेह राजा, आजा यीशु राजा, आजा स्नेह राजा। Praise the Lord. 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, और जितने भी भाई बहन लोग ऑनलाइन मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबों को जय यीशु, जय यीशु, और आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की पास्का पर्व का चौथा रविवार में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो यीशु हम लोगों की बुलाहट के लिए
आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को आज के तीनों पाठों के आधार पर मैं एक छोटी सी कहानी बतलाने जा रहा हूँ। ये छोटी सी कहानी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और प्रेरित करने वाला एक कहानी है, और ये कहानी वास्तविक है ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बिशप जिसका नाम निधि नाधन है, वह अभी भी अपना कार्यरत में है। वह एक मद्रास में, एक पारिस में, वह एक बिशप है। वह एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सिमिनरी जीवन में करीब 6 बार एक समाज से दूसरे समाज में जाकर वह अपना पुरोहिताई का पढ़ाई किया। सबसे पहले वह एक जो SBD कॉन्ग्रीगेशन था उसमें था, उसमें उस समाज में था। वह वहाँ से निकाला गया कुछ कारणवश। उसके बाद वह दूसरा समाज में गया, और जिस समाज का नाम है जेसुइट, उसमें भी जाकर कुछ दिन रहा और वह अपना कार्य किया, और वहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ी हुई और वहाँ से भी निकल गया। उसके बाद और दूसरा समाज में गया, वहाँ से भी निकाल गया। उसके बाद और दूसरा समाज में गया, आखिरकार वह चेंगलपट डायसिस में गया, जो मद्रास में है, चेन्नई में है चेंगलपट, वहाँ पर गया और वह अपना पढ़ाई शुरू किया। वह वहाँ पर फिर अपना पढ़ाई शुरू किया और अपना जीवन कार्य शुरू किया, और वह एक महान पुरोहित बना। महान पुरोहित बनते हुए वह एक कैनन लो होती है हमारे कैथोलिक कलीसिया में उसकी पढ़ाई की, और वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था। और कुछ दिन के बाद, 5 साल पुरोहित जीवन जीने के बाद, वह एक नया जीवन उसको मिला, बिशप स्वामी का रूप में मिला, और वह अभी चेंगलपेट में बिशप स्वामी बन गया। अभी वह बहुत ही कार्यरत में है। वह एक ऐसा व्यक्ति, प्रेरित करने वाला व्यक्ति बन गया, जो सचमुच में एक महान व्यक्ति के रूप में अभी गिने जाते हैं ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी क्यों बतला रहा हूँ। जैसे कि आज हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, पहले पाठ में पढ़ते हैं, पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन लोगों से कहा, जनता के शासकों और नेताओं को कहा, क्योंकि पेत्रुस को वहाँ के राजा और शासक लोग, उनको वहाँ के अधिकार से निकाल दिए गए थे। जब यीशु ख्रीस्त का मरण हुआ, तब सभी शिष्य लोग सोचते थे कि यीशु मर गए हैं और वापस नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पेत्रुस एक पहला व्यक्ति है जो यीशु का पुनरुत्थान को लोगों को देते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मेरी मगदलेन किस तरह से यीशु का प्रचार करती है, जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं और लोगों के सामने आए हैं, ऐसा कहकर देते हैं। और वही आज जो शासकों द्वारा, नेताओं द्वारा अलग किया जाता है, लेकिन वही नेता, वही पेत्रुस एक कॉर्नर पत्थर की बन जाता है, एक कोने की पत्थर की बन जाता है। और वो कोना आज हम लोग देखते हैं, जहाँ पर रोम में देखते हैं कि जिस तरह से यरूशलेम की मंदिर को, यरूशलेम की गिरजाघर को बनाई गई है संत पेत्रुस के नाम पर, क्योंकि संत पेत्रुस एक कॉर्नर, उसको हटाया गया था, उसको बहिष्कार किया गया था, लेकिन वह कॉर्नर एक ऐसा नील की पत्थर की जैसा हुआ कि वह पत्थर में अभी पूरा हमारा समाज स्थापित हुआ है ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वही कहानी मैं आज आप लोगों को, जीवित कहानी मैं बतलाया, जो निधिनाधन, बिशप निधिनाधन का जीवन उसी तरह से था। और वह एक ऐसा गडेरिया बना, ऐसा लीडर बना,
ऐसा व्यक्ति बना जो लोगों को सुसमाचार सुना सके। और आज हम लोग संत पेत्रुस को भी वही देखते हैं कि किस तरह से लोगों को ईश्वर का प्रचार कर रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है, किस तरह से ईश्वर को अपना जीवन दे रहा है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी यही हाल है। आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त एक कॉर्नर की पत्थर की तरह होते हैं। वह एक लोगों को एक ऐसा पत्थर होते हैं कि लोग उनको अभी पूजा अर्चना करते हैं, महिमा गान करते हैं। आज वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों के लिए पिल्लर की तरह खड़ी है। वह एक नया जीवन दिया है, सबों का पापों को मुक्ति किया है, क्योंकि वह क्षमा किया है। हमारे जीवन में भी ये बहुत ही बड़ी भूल हो जाती है जब हम लोग एक दूसरे को घृणा दृष्टि में देखते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, उसको अस्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त जब उनके जीवन में आते हैं तो मैं कहता हूँ प्रभु ईश्वर उनको हमेशा नया जीवन और चंगाई देता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त वही प्रभु ख्रीस्त जीवित प्रभु ईश्वर है। जैसे कि आज हम लोग दूसरा पाठ में देखते हैं, पिता ने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को हम लोगों को दे दिया। जैसे हम लोग देखते हैं संत रोमन के पत्र में अध्याय 3:16 में, प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को हम लोगों का पाप के लिए दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को जानता था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी हम लोग हत्यारा क्यों ना हो, अगर पूर्ण रूप से ईश्वर के समक्ष हम लोग अपना पाप को रख देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तो प्रभु ईश्वर हम लोगों का पाप को क्षमा करते हैं और अपना जीवन देते हैं, अपना कृपा देते हैं। जैसे कि हम लोग दूसरा पत्र में पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पर अध्याय 12:9 में, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, मेरा अनुग्रह मेरा कृपा हमेशा उनके साथ बनी रहती है, उनके कमजोरियों पर उनके लाचारों पर, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा हूँ। उसी तरह आज हम लोग संत पेत्रुस के जीवन में देखते हैं, और मैं जानता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे इस जीवन में बहुत सारे भाई बहन लोग इस परिस्थिति में गुजर चुके हैं, क्योंकि ये परिस्थिति हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग ईश्वर से दिए हुए वचनों को पालन करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं संत योहन हम लोगों को ये प्रस्तुत करते हैं कि पुराने विधान में भी हम लोग देखते हैं ईश्वर को चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चरवाहे के गुणों के द्वारा ईश्वर यह बताते हैं कि वे हमारा कितना और वे हमको कितना प्रेम करते हैं। चरवाह अपनी भेड़ों को सुरक्षित हरे भरे स्थानों पर ले जाते हैं। चरवाहे का मुख्य कार्य अपनी दंड की रक्षा करना, अपने झुंड की रक्षा करना। हम लोग एक भेड़ों की तरह हैं। चरवाहे दो प्रकार के होते हैं, पहले जो दूसरों की झुंड की देखभाल को कार्य पैसा के लिए करते हैं, और तथा दूसरा जो स्वयं झुंड के स्वामी तथा झुंड चरवाहे दोनों होते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग किस तरह के चरवाहा हैं, किस तरह के लोगों को देखते हैं? मैं नकारात्मक तरह के चरवाहा को भी देखना चाहता हूं। जो चरवाहे पैसे के लिए झुंड की देखभाल करते हैं, वे विपत्ति या संकट में झुंड को छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे भी चरवाहे होते हैं। ये हमारे जीवन में, इस दुनिया में बहुत सारे पास्टर लोग, पुरोहितगण लोग होंगे जो पैसे के लिए अपना सुसमाचार यीशु का प्रचार करते होंगे, लोगों को एकत्रित करके अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। हम लोग खासकर आजकल के आधुनिक युग में देखते हैं। मैं इसलिए बहुत सारे भाई बहन लोग जो ईश्वर के नाम पर जाते हैं और पैसा कमाते हैं, उनको मैं बहुत ही गलत दृष्टि से देखता हूँ, उनको नकारता हूँ, क्योंकि प्रभु ईश्वर का नाम लेकर वे लोग अपना धन संपत्ति कमाते हैं और वे लोग झुंड को छोड़कर चले जाते हैं, लोगों को ऐसा स्थिति में डाल देते हैं कि ईश्वर इस दुनिया में है कि नहीं। और पॉजिटिव लोग, मतलब सकारात्मक लोग, जो चरवाहे लोग, ऐसे भी होते हैं, ऐसे चरवाह जो
अपने झुंड को कभी नहीं छोड़ते हैं, अपने भेड़ों को कभी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग भेड़ हैं, हम लोग ऐसे भेड़ हैं कि हम लोगों को ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा चरवाहा हम लोगों को, ऐसा गड़ेरिया हम लोगों को चाहता है ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग बपतिस्मा लिए हैं, बपतिस्मा लेकर हम लोग अपना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं ख्रीस्त के नाम पर। जब हम लोग बपतिस्मा लिए हैं तो हम लोग यीशु का भला गड़ेरिया उसी दिन से हो जाते हैं। और खासकर पुरोहित गण, सिस्टर गण, धर्म भाई बहने, जितने भी भाई बहन लोग होते हैं, वे लोग भी ईश्वर के चुने हुए गड़ेरिए हैं। लेकिन वे लोग साक्षात रूप से, साक्ष्य रूप से अपने आप को ईश्वर को दे नहीं सकते हैं और अपना गलत कामों में फंस जाते हैं। क्या हम लोग उस तरह से गलत कामों में फंसने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं? आज हम लोगों को प्रभु ईश्वर अपने बुलाहट के बुरा बारे में बोलते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर जानते हैं कि अगर मैं आप लोगों को बुलाऊं तो आप लोग एक नया जीवन दोगे। क्योंकि जब हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण किए हैं तो प्रभु ईश्वर हम लोगों को नया जीवन दिए हैं, बुलावा किए हैं उनके स्वर्ग राज्य में जीने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, ताकि हम लोग उनको अपना जीवन दे सकें और ईश्वर का सुसमाचार एक दूसरे को फैला सकें ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम लोग आज के पाठ में देखते हैं, अध्याय संत योहन के अनुसार अध्याय 3 पद संख्या 16 में यीशु, प्रभु यीशु हम लोगों को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने, प्रभु यीशु अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को दे दिया और अपना जीवन दिया। और हम लोग संत योहन के अनुसार पढ़ते हैं अध्याय 15 पद संख्या 13 में यीशु ने प्रेम की प्रकष्ठा को बचाते हुए कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग गड़ेरिए हैं, चरवाहे हैं, लीडर हैं, पुरोहित हैं और हम लोग पास्टर हैं, तो हम लोगों को एक संस्था को चलाना होता है, दूसरों को ध्यान देना होता है कि वो परिवार किस तरह से चल रही है, उस परिवार में अशांति है, झगड़ा झाटी है, लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, ईर्ष्या है, डाह है। क्या उसको हटाने के बदले क्या उसको फिर हम लोग एक नया प्रारूप देकर उनको बढ़ावा दें? वैसा नहीं, लेकिन गड़ेरिए का रूप हम लोगों को वहाँ पर प्रेम, शांति, सद्भावना, स्नेह, हर एक तरह के वरदान को देना है। एक प्रेरित होकर हम लोगों को नया जीवन देना है। एक कॉर्नर स्टोन, जो कॉर्नर मतलब जो ऐसा गड़ेरिया को हटाया गया था शासकों द्वारा, नेताओं द्वारा, और खासकर आज के आधुनिक युग में बहुत से समाज में, बहुत से पारिस में, बहुत से जगह में पुरोहित लोगों को नीचा दृष्टि से देखा जाता है। उनको, ये लोग अगर थोड़ा भी काम, गलत काम कर देते हैं तो उनको नीचा दृष्टि से देखा जाता है, उनको गलत दृष्टि से देखा जाता है। क्यों ना हम उनको एक नया जीवन देने की कोशिश करें, क्यों ना हम लोग उनको एक ऐसी राह देने की कोशिश करें। अगर पुरोहित और कोई भी गलत कर दे, उनको नया राह दीजिए, क्योंकि पुरोहित एक मनुष्य है, ये ईश्वर नहीं है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम लोग ईश्वर को अपना जीवन देने योग्य हैं? क्या हम लोग एक भला गड़ेरिया बन सकते हैं, भला चरवाहा बन सकते हैं? क्या हम लोग भला लीडर बन सकते हैं, भला मनुष्य बन सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं? ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। आइए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं पैसा कमाने के लिए कोई भी संस्था खोलता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं अपना जीवन को सिर्फ अपने लिए देखता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपना स्वार्थी के लिए ईश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं ईश्वर का प्रचार कर रहा हूँ ताकि बहुत का आत्मा को मैं संभाल सकूँ और उनका आत्मा को सजा सकूं और ईश्वर के समक्ष ले जा सकूं, उनको बचा सकूं, पापों से बचा सकूं, उनको हर एक तरह के द्वेष से बचा सकूं, हर एक तरह के जंजीर जालों से बचा सकूं, खासकर अंधकारमय जीवन से बचा सकूं।
उसके लिए हम लोगों को भला चरवाहा बनना होगा, भला गडेरिया बनना होगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर हम लोगों को वही चाहते हैं। क्या हम लोग भला गडेरिया बन सकते हैं? प्रभु ईश्वर कहते हैं कि भला गडेरिया वो है जो अपने भेड़ों को अपने साथ ले जाता है और उनको पानी, उनको हर एक तरह के जो कुछ भी ज़रूरत चीज़ है उनको देता है। आइए हम लोग भला गडेरिया बनने की कोशिश करें। प्रभु यीशु जिस तरह से अपना प्राण दे दिया, अपना प्राण देकर हम लोगों को नया जीवन दिया है, तो आइए हम लोग यीशु की प्रेरणा को अपने जीवन में लेकर अपना भला गडेरिया रूप में अपना जीवन बताएं, ताकि प्रभु ईश्वर हम लोगों को एक नया जीवन दे सके और हम लोग प्रभु ईश्वर को अपने जीवन में लागू कर सके। आइए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम लोगों को नया जीवन दे और भला गडेरिया बनाएं। आमीन। आइए हम लोग सभी कोई खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में हम विश्वास करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे प्रार्थना को सुने। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर हम लोगों को आपने सुरक्षित रखा है, प्रभु ईश्वर हमेशा सुरक्षित रख, ताकि हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज हम लोग विशेष रूप से कलीसिया के संत पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी पुरोहित गण धर्म बहने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे लोग भले गडेरिया को प्रेरित होकर अपना जीवन में भले गडेरिया बन सके और लोगों को अच्छा सेवा सुरसा कर सके, इसके लिए पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भाई बहन लोग कोरोना से पीड़ित हैं, प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीष एवं कृपा बरसा, ताकि वे लोग जल्द से जल्द चंगे हो सके और अपना जीवन सुचारू रूप से आप धन्यवाद दे सकें और चला सकें, इसके लिए पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करें। सो शक्तिमान पिता ईश्वर, तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं जो भाई बहन लोग इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे लोग हमेशा आपके दिए हुए मार्ग पर चल सके और आपको भला गडेरिया मान सके, यह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम करे तेरे वंदना, हम करे तेरे वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूछेंगे हम यूं ही सदा, मन से तुझे देखेंगे हम, पूछेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया,
तेरी दया तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करे नमन तेरे समान में, हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारा तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से पवित्र बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण हो रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे आनंद का स्रोत बने। यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लेता है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरे मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर 100 से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कृति प्रशंसा आज दिन है यवनी अंबर। तेरी ही जय जयकारों से गूंजता है सारा जहां। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रीस मर गए, क्रीस जी उठे, क्रीस महिमा के साथ फिर आएंगे। क्रीस मर गए, क्रीस जी उठे, क्रीस महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में हम तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की भी सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। आज हम लोग खासकर उन भाई बहनों को भी याद करते हैं जो भाई बहन लोग हम लोगों से अनुनय विनय किए हैं कि प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर, जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और खासकर जो भाई बहन लोग गुजर चुके हैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं और उन्हें भी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम सब भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरा पुत्र येसु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन। आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वही एक हमारा सच्चा गडेरिया है। वही विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें ताकि हम लोगों को हमेशा अपने साथ रखे और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमेन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की भी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पाप पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगाना युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ये ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो भला चरवाहा है, जो संसार के पाप हर लेता है और हम लोगों को अपने साथ रखता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु आप एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त मेरे लिए हमेशा बनी रहे। बवर के बीच में तू कहता है तम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है तम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है कदा, आने वाले कल भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बवर के बीच में तू कहता है तम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। सबों को जय यीशु। अभी कोरोना काल है, आप लोग घर में सुरक्षित रहिए। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगी तो हमारा मिसा बलिदान फिर बलिगुड़म में शुरू हो जाएगी। अब तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए। मैं आप लोगों को ज़रूर सूचना दूंगा कब से शुरू करेंगे और कब से नहीं। आप लोग घर में अच्छा से रहिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ताकि इस कोरोना से आप लोग बच सकते हैं। ख्रीस्त हमारे भले गड़ेरिए जी उठे हैं, उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अल्लेलुया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, तू ही परम भला गड़ेरिया है, अपनी भेड़ों पर कृपा दृष्टि डाल
तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर इनकी मुक्ति की है, इनको अनंत चरागाह में ले जाने की कृपा कर। यह हम प्रार्थना यह प्रार्थना सुन ले अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। आप लोग विदा ले और हमेशा ईश्वर के साथ में रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय यीशु। आप लोग सुरक्षित रहिए अपने घर में। धन्यवाद। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों के, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा बीट कर ले, तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है कदा, आने वाले कल भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तेरी चट्टान, बढ़ते हुए